लहजा ठाकुर की नामाचार लहजा ठाकुर हरे कृष्ण हरि बोल बोला हरिदास ठाकुर की बोला हरिदास ठाकुर की गुरुदेव की जय। हाँ देखो आप लोगों ने सुना है इसे हरिदास ठाकुर का समाधि है, केवल एक ही व्यक्ति हुए हैं जिसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपना हाथों में उठा करके लाए, केवल एक ही व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति हुए हैं जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु अपना हाथों में अपना गोद में चैतन्य महाप्रभु लाए और समाधि दिए। बोले ये कौन है? बोले केवल श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। और महाप्रभु किसको गोद में उठा करके समाधि नहीं दिए हैं? महाप्रभु। इसलिए बोले क्यों महाप्रभु इनको अपना गोद में उठा करके सन्यास क्यों लाए? बोले ये दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे। कितना लाख हरिनाम करते थे? तीन लाख हरिनाम। अगर हम कोई 16 राउंड हरिनाम कर लेना, अगर कोई 16 राउंड हरिनाम करता है, देखना दिन भर माला को लेकर के जप करते हैं, शाम तक 16 राउंड भी समाप्त नहीं कर पाते, 16 राउंड भी हरिनाम समाप्त नहीं होता। लेकिन ये देखो ये हरिदास ठाकुर अगर कोई 1 लाख हरिनाम करे ना, आप देखना दिन से लेकर रात भर अगर कोई जप करते रहे, किसी तरह से 1 लाख हरिनाम किसी तरह से खत्म होता है। अगर दिन में कोई अगर 3-3 लाख हरिनाम करता है तो समझो फिर कितना घंटा लगेगा, कितना घंटा। अगर 1 लाख हरिनाम करना ये अंगुल भी दर्द हो जाता है और वे जीवा भी दर्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरिदास ठाकुर ये नाम की ये आचार जैसे हरिदास ठाकुर ये 3-3 लाख हरिनाम करते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जिनको अपना गोद में उठा करके लाए और अपना हाथों से उन्होंने क्या किया, समुद्र में स्नान कराया, समुद्र में स्नान कराया है। और चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं बोले समुद्र अभी तक तू केवल तीर्थ था, समुद्र केवल तीर्थ था, लेकिन ये हरिदास ठाकुर की स्पर्श से वो तीर्थ नहीं, आज तू महातीर्थ हैला। तीर्थ में सबसे बड़ा तीर्थ तू आज से समुद्र को कहते महातीर्थ हैला। देखो हमारे देश का नियम है अगर कोई डेड बॉडी को कहीं स्पर्श कराते ना वो अपवित्र हो जाता है, अगर मरा हुआ शरीर को अगर कहीं स्पर्श कराओ क्या हो जाता है, वो अपवित्र हो जाता है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं बोले समुद्र ये हरिदास ठाकुर का शरीर का स्पर्श से तुम आज महा महा तीर्थ बन गया, क्योंकि जो वैष्णव का जो शरीर है वो अपराकृत दिव्य है, अपराकृत दिव्य ही वैष्णव का शरीर है, वैष्णव का शरीर साधारण नहीं है। ये ऐसे एक महापुरुष श्री हरिदास ठाकुर हुए, जहां पर किसी मरे शरीर को हम काट देते हैं है? उसको क्या कहते हैं हमारे भाषा में, शमशान। क्या कहते हैं? शमशान। अगर वहां पर कोई चले जाए ना हमको स्नान करना पड़ता है। हमारे भारतीय संस्कृति मरने के बाद जहाँ गाड़ देते अगर वहां पर कोई चले गए तो क्या कहते हैं, भैया तुम स्नान करो। लेकिन हरिदास ठाकुर यहाँ भजन किए, लेकिन देखो सारा दुनिया आकर के प्रणाम कर रहे, परिक्रमा कर रहे, बैठ करके हम उनकी हरिदास ठाकुर कथा सुनते हैं, यहाँ आकर हम क्या हो गए, समाज में आकर पवित्र बन जाते हैं, अपवित्र नहीं। अगर हम अपवित्र हो वैष्णव की समाधि में चले गए तो हम पवित्र हो गए। बोले क्यों? कहते हैं जहां पर उनके शरीर को काट देते हैं
हम उसको नहीं कहते कब्रगाह नहीं कहते, हम कहते समाधि। समाधि मतलब क्या है? समाधि जहाँ पर वो बैठ करके अभी भी अपना प्रभु को ध्यान कर रहे, अभी भी बैठ करके अपना इष्ट देव को, अभी भी हरिदास ठाकुर बैठ करके उनकी ध्यान कर रहे हैं हरिदास ठाकुर समाधि में। महाप्रभु किसी वैष्णव की शरीर छोड़ने का बाद महाप्रभु किसी के लिए भिक्षा नहीं किए, महाप्रभु किसी के लिए भिक्षा नहीं किए, लेकिन महाप्रभु हरिदास ठाकुर को समाधि देने का बाद महाप्रभु आनंद बाजार में गए जगन्नाथपुरी और महाप्रभु ने इन्हीं के लिए अपना झोली पसार करके बोले मेरे को भिक्षा दो, मेरे को भिक्षा दो। और महाप्रभु सब भक्तों को बैठाया, बैठा करके केवल इन्हीं की तिरुभाव तिथि में महाप्रभु और कभी किसी को खिलाए नहीं, खाना नहीं खिलाया अपना हाथों में, लेकिन इनकी तिरुभाव तिथि में महाप्रभु स्वयं अपना हाथों में सबको बैठा करके अन्न दे रहे हैं, सबको महाप्रभु प्रसाद बांट रहे हैं। और श्री महाप्रभु खुद कहते हैं बोले श्री हरिदास ठाकुर जी का निर्जान में इनको तिरुभाव तिथि में अगर कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति गए उनकी समाधि में, हम रेती देते हैं ना वैष्णव का सर समाधि में, जब रेती देते हैं अगर इनकी समाधि में कोई अगर रेती दिया है समाधि में, अगर यहाँ तक भी नहीं इनकी उत्सव में जो केवल प्रसाद भोजन कर लिया, केवल भगवान की प्रसाद भोजन कर लिया, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ अचिराते बड़े जल्दी से जल्दी उनके हृदय में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। क्या प्राप्ति होगी? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। महाप्रभु इतने बड़ी बात श्री हरिदास ठाकुर जी की तिरुभाव महोत्सव में महाप्रभु इतने बड़ी बात करते हैं, बोले कारण है कलयुग में जो भगवत प्राप्ति का केवल एक उपाय है हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान का नाम को छोड़कर और कोई रास्ता नहीं, वो नाम का जो आचार्य कौन है बोले श्री हरिदास ठाकुर है, यही हमारी भजन का हरिनाम का आदर्श श्री हरिदास ठाकुर जी, इसलिए महाप्रभु इनका नाम नामाचार्य नाम रखा, ये नाम की आचार्य है। अगर ये कलयुग में अगर हमें भी भगवत कृपा प्राप्ति करना है क्या करनी चाहिए, कहते हरिदास ठाकुर का जो भजन को आदर्श रूप में हमें ग्रहण करनी चाहिए, आदर्श रूप में। अगर 3 लाख हरिनाम नहीं कर सकते कम से कम 1 लाख तो करें, कहते अगर 3 लाख नहीं कर सकते हो कितना करें, कम से कम 1 लाख तो हरिनाम करनी चाहिए ना। इसलिए महाप्रभु कहते जो 1 लाख नाम नहीं करते हैं उनका हाथ का दिया हुआ चीज हम ग्रहण नहीं करते, उनका हाथ का दिया हुआ चीज हम ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए देखना, इसलिए हमारे संप्रदाय के जितने भक्त लोग ये कभी माला नहीं छोड़ते, ये चुटकी नहीं छोड़ते, ये माला कभी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए भले ही सारा दुनिया पर छूट जाए लेकिन कभी ये माला नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ भक्त क्या करते हैं, गुरु जी से तो माला लिए लेकिन कुछ दिन बाद देखते माला जहां तहां लटक रहा, माला से कोई मतलब नहीं है, माला जैसे तैसे माला रह जाती है, नहीं। इसलिए भले ही सारा दुनिया छूट जाए माला कभी नहीं छूटनी चाहिए, हर समय माला रखनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे, गुरुदेव कहते थे बोले देखो ये जो माला है ये माला कौन है, ये साक्षात कृष्ण है, ये माला ये साक्षात भगवान कृष्ण ही ये माला है। अगर एक दिन हमने गुरुदेव से माला लेने का बाद अगर हमने एक दिन अगर ये माला जप नहीं किया तो फिर माला क्या हो गया, आज सारा दिन माला भूखे रह गए, उनको खाना नहीं खिलाया, उनको स्नान नहीं करवाया है, उनको खाना नहीं खिलाया, उनको स्नान नहीं करवाए, ये माला अभी ये भूखे रह गई ये माला। इसलिए माला कभी भूखे रहनी नहीं चाहिए, ये माला कभी भूखा रहनी नहीं चाहिए, माला हर समय कुछ ना कुछ, जब तक कुछ माला नहीं जप करते हैं अनलेस नट डोंट चैंटिंग सम माला नो बिफोर डोंट टेक प्रसाद। इसलिए महाप्रभु जब प्रसाद लेकर के आए, महाप्रभु जब प्रसाद लेकर के आए हरिदास ठाकुर बोले आज मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, बोले क्यों, बोले आज मैंने माला नहीं जप की, आज मैंने माला जप हमने नहीं की है। महाप्रभु बोले सारा जीवन तुमने 3-3 लाख हरिनाम किया, अभी थोड़ा कम करो,
तितिल्ला हरिनाम क्या हरिदास ठाकुर क्या कहते बोले प्रभु शरीर मोर सुस्त है असुस्त बुद्धिमान। इसलिए यहाँ हरिदास ठाकुर हम सबके लिए कह रहे हैं बोले हमारा शरीर तो बढ़िया रहता है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मन है ना इतने दुष्ट है, ये मन इतने दुष्ट है। अगर शादी के लिए जाओ पहले तैयारी, किसी पार्टी में जाओ पहले तैयारी, सिनेमा में जाओ तैयारी, लेकिन जब भजन की बात करते हैं ना तब उस समय बहाना बने, उस समय में ये मन ये एक्सक्यूज बनाता है बहाना, हमारे ये हो गया ये हो गया, लेकिन कोई उल्टा पुलटा काम में मन कोई बहाना नहीं बनाता, उसको तो पहले तैयार रहता है। इसलिए हरिदास ठाकुर से क्या देते हैं जब तक कुछ माला जप नहीं करे तब तक हमें भगवान प्रसाद ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अदृष्टा अनलेस डोंट चैंटिंग सम क्राउन बिफोर डोंट टेक एनी प्रसाद मस्ट चैंटिंग सम राउन देन यू कैन टेक दिस प्रसाद। ओके बोले श्री हरिदास ठाकुर की, सचिनंदन गौर हरि की, बोले सबरीकर महाप्रभु की, पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण।